रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे हैं, जेपी नड्डा के कार्यक्रम की सीएम शिवराज सिंह चौहान मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे हैं, जेपी नड्डा के कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां पर जेपी नड्डा के कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा के कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ले रहे हैं, कौन कौन इस बैठक में मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 1 और 2 तारीख को प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल प्रवास पर है, तो इस दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सबसे पहले स्टेट हाउस पहुंच के वहां का जो है जायजा लिया। उसके बाद जिस तरह से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में उनका एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ पहुंचे और यहाँ का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने जो कार्यकर्ता है उनकी बैठक भी, जो इस व्यवस्था में शामिल है, जो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की जो व्यवस्थाएं देखेंगे, जिसमें विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद रहे, उमाशंकर गुप्ता पूर्व मंत्री वो मौजूद रहे, और इसके साथ काफी सारे जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो उन्होंने उनको दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से अपने साथ के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है और ज्यादा से ज्यादा जो लोकतंत्र का जो महन दम होती है वो भीड़ होती है, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लेके आना है, खाने की किस तरह की व्यवस्था रखनी है, तो इन सभी बातों को लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को दिए। जी जी शुक्रिया नीरज जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।